रहा बा। आपके गलत सूचना मिलल बा, हमार डंडा गरीबन पर ना, गरीबन के खून चूसे वालन पर गिर रहल बा। मैडम, हम है यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की जो जनता है ना वो हमारी है, हमारी। उनका भला बुरा हमसे अच्छा आप नहीं सोच सकती हैं। आपकी जज्बातों की कदर करती हूँ सर, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि जिन्हें आप गरीब व्यापारी कह रहे हैं वो स्मगलर और चोर है। और ये मैं वादा करती हूँ कि मोतिहारी जिला से उन खतरनाक लोगों को जो तरह तरह के गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं उनका सफाया बहुत जल्द कर दूंगी। यशवी साहिबा, झांसी की रानी बने की कोशिश मत करा, सब अच्छा बा। हमारा के बहुत अच्छी तरह से मालूम बा कि तू हमारा आदमियन के आपन निशाना बना रहा बा। अगर वो सब आदमी आपके बाड़े तो प्रश्न चिन्ह के घेरा में रहो बने। हमार बात बहुत ध्यान से सुन ला, जेकर देवी पूरी के पंडा, ये इलाका हमार है और यहाँ की जनता का हम सेवक बानी सेवक। लखिया पकड़े आयल बाड़ू, जितना जल्दी हो सके बुरा के पकड़ा, न तो तोहरे और तोहरी सेहत के लिए हमारा से बगावत बहुत भारी पड़ी, बहुत भारी। हमारा अनुरोध बा आपसे, और हाँ, अगर हमारा अनुरोध विरोध में बदल गए तो आग लग जाएगी। भोला यादव, पहली बार तुम्हारा शेरनी से सामना हुआ है, हमारा बीच में आई बे चीर के कच्चा चबा जाए। मैडम, हम आपसे एक बात बोले, भोला यादव से टकराना आपके लिए अच्छी बात नहीं। रामायण कानून के ताकत से टकराए भोला यादव खातिर ठीक नहीं थे। मैडम, कानून भोला यादव का गुलाम बा और कानून के सब रखवाले भोला यादव के तलवा था। पहले युद्ध में आपको जो साधना थी आप बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। रामायण, चित्रा सिंह नाम बा हमार, मौत के मुट्ठी में लेके घूमे नहीं, डराए ऊ जेकर अपन जिंदगी प्यारी होखे। हम तो बस आर पार के लड़ाई लड़े जाने नहीं। मैडम, भोला यादव के चट्टान बा और चट्टान से जब टकराए वो चूर चूर हो जाए। तो हम बारूद हैं, बारूद हमसे जे टकराए वो राख बन के उड़ जाए। जज्बा मैं आ गई, इसे जज्बा लेके आए मेरे को और होता टकराए है भोला यादव से। मालूम बा हमरा सब मालूम बा, पवन सिंह के साथ भोला यादव जो कुछ भी कर ली ओकर खबर हमरा भी बाकी। बाकी रामायण एगो बात बतावा, का तू हमरा बता सके ना कि आखिर एसपी पवन सिंह के साथ ये भय कर रहे? मत पूछिए मैडम, शेर लखान रहे हमारे साहब, उनके कहा से कुंडा पद्मासन का रूह कापत रहे। राखेल आसान भोजपुरिया जवान जा लागत रे हमरा के याद बा ये पवन सिंह साहब पहली बार मोतिहारी का जान ले लेगा। Oh, my God.
अस्पताल में बैठो। लोग कह रहे कि मर गई पवन सिंह। नहीं, मेरा पवन कभी नहीं मर सकता। उसका विचार, उसका लक्ष्य आज भी जिंदा है। मैं पूरा करूंगी उसे, अपने पवन के सपनों को मैं पूरा करूंगी।